अगर इसका सोर्स कोड चाहिए बस इतने से कोड के साथ हम इतनी बड़ी वेबसाइट बना सकते हैं इन इन जस्ट जस्ट यस विदाउट एनी प्रीवियस नॉलेज रेडियो द जोश लेट नो कमेंट सेक्शन एंड अगर आप नए बंदे हो तो चैनल जाके विजिट करना है और बहुत सारा माल आइटम छोड़ा है तुम्हारे लिए तो सबसे पहले कोई भी चीज बनाने से पहले ठीक है उसके बारे में जानना थोड़ा सा जरूरी है जैसे एस क्या होता है और ये ऐसे कैसे बन रहा है तो बहुत लोग बोलते हैं एस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नहीं एस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है एक मार्कअप लैंग्वेज है इस पर पार्सिंग परफॉर्म हो रही है बाय द ब्राउजर नॉट बाय यू बाय द ब्राउजर और वो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है ये मतलब ऐसा समझना है ये हमने क्या है ये जैसे दीवारों की छोटी छोटी ईट नहीं होती ब्लॉक्स यस ब्लॉक ऑफ कोड वैसे ही यही है ये छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं छोटी छोटी ईटे हैं बड़ी सी बिल्डिंग वो बिल्डिंग हमारी ऐसे निकल के आएगी कैसे और ये कैसे होगा ये होगा ब्राउजर की हेल्प से तो HTML, जितना भी भी आपको ये जितनी वेबसाइट्स बन रही हैं वट एवर जोमेटो वोमैटो जो भी आप देख रहे हो वो सारी किस्में है जो उनका जो फ्रंट एंड है वो डिजाइन हो रहा है एस टी एम एल में क्योंकि ब्राउजर सपोर्ट करता है सिर्फ और सिर्फ एस टी एम एल इतिहास पे नहीं जाएंगे बस यहां समझ लो बस इतना समझ लो आज के टाइम सिर्फ और सिर्फ एस है और एस 5 ज्यादा स्टेबल वर्जन है वो चल रहा है अब इससे ज्यादा हिस्ट्री मत जानो

ये इस वाले साइन से होते हैं इनको मार्कअप्स बोलते हैं इन ग्रेटर देन देन लेस साइन के बीच में जो भी लिखा जाता है वही होता है कंटेंट नाउ जो भी चीज आप एचटीएमएल में पढ़ोगे वो हमेशा एक मार्कअप के अंदर ही आएगा और सबसे बड़ा जो मार्कअप होगा दैट इज दी एम एल ओके यहां पर आपको दिख रहा होगा ये वाला तो जितनी भी वेबसाइट्स बन रही हैं है, है, सिर्फ सिर्फ है, पे है फॉर्मूला अगर यहाँ ऊपर हेडर है तो यहाँ होगा नीचे फूटर है तो फूटर होगा बीच में कुछ कंटेंट लिखा हुआ है तो वो ये सिर्फ ये एस ही डिसाइड करेगा जब आप एस में कोई कोड लिख दोगे वो पार्स होगा बाय द ब्राउजर और फिर आपको वो दिखेगा राइट right, यहां पे जैसे हमने एस का ये कोड लिखा और ये पार्स होने के बाद हमको कुछ ऐसी ब्यूटीफुल सी वेबसाइट दिखेगी सो डेवलप कब हुई थी सन उन्नीस में याद करने की तुम्हें जरूरत नहीं है कोई तुमसे पूछेगा नहीं काम कैसे करती है क्या करती है वो पूछेंगे तो समझ लेना तो एस में बस आपको दो चीज अगर क्लियर हो गई सब क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करता है एस टी एम एल एलिमेंट्स एंड एस टी हमने क्या पढ़ा टैक्स यस मार्कअप्स को हम क्या बोल देते हैं टैक्स ओके जो ऐसे मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया पी तो पी फॉर पैराग्राफ टैग यहाँ लिख दिया मैंने एच वन एच फॉर हैडिंग वन टैग यहाँ पे लिख दिया div डिव टैग ठीक है यहाँ पे मैंने कुछ भी मतलब यहाँ पे मैं एक्स वाई जेड जो भी डाल रहा हूँ लिस्ट एल आई लिस्ट टैग तो ये टैग्स हैं बहुत सारे टैग्स हैं इन्हीं को टैग्स बोलते हैं और इन्हीं को हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं ठीक है तो एज अन लैंग्वेज डेवलपर लैंग्वेज जो बात करोगे वो क्या करोगे एलिमेंट्स और टैग्स में बात नाउ न सेकंड थिंग अगर कोई टैग है या कोई भी बंदा है किसी के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होती हैं जो डाली जाती हैं यस yes. उन एडिशनल इन्फॉर्मेशन को बोला जाता है एट्रीब्यूट्स तो दो चीज याद रखनी है वो टैग जो भी आप यूज कर रहे हो जो भी एलिमेंट आप यूज करोगे जिससे जिसके अंदर आप कंटेंट लिखोगे कैसे जैसे हमने टैग नेम डाला इसके अंदर हम कुछ भी कंटेंट लिख सकते हैं और वो तो हम हमारे को कुछ भी विजिबल है जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एस है ये विजिबल करना है मेरे को एस टी पेज पे ठीक है छोटा है या बड़ा तो मैं क्या इसको ये हमारा एक पैराग्राफ तरीके से बहुत ज्यादा जो आता है तो पैराग्राफ बोल सकता हूँ हेडिंग में देना है तो हेडिंग लिख सकता हूँ यस yes. so ये कहाँ यूज होता है ये थोड़ा सा ध्यान रखना है जब भी आप टैग नेम जो भी स्टार्ट करोगे एक स्टार्टिंग टैग नेम होगा वो सिंपल किससे होगा ऐसे दो ग्रेटर देन लेस देन के साइन के साथ जो क्लोजिंग टैग होगा ये क्लोजिंग टैग है इसमें हमेशा आपको ये ये वाला साइन दिखेगा ठीक है ऐसे ही इससे क्या करना है जो भी टैग नेम है उसी के साथ में आपका एट्रीब्यूट नेम लग जाता है और जो वैल्यू डालनी है वो आप वैल्यू डाल सकते हो अगर ये चीज आपको क्लियर है तो बाकी सब आप कर लोगे जरा फटाफट से स्क्रीन शॉट मार लो आगे बढ़ते हैं तो एक मैं न्यू फाइल फटाफट से बना लेता हूं इंडेक्स डॉट एस टी एम एल जब भी हम कोई एस टी एम एल की फाइल बनाते हैं तो उसके पीछे .htm या .html हमारे को एक्सटेंशन डालनी पड़ती है ठीक है इसके बाद एक एडिटर चाहिए कोई भी नोटपैड ले लो सिंपल नोटपैड प्लस प्लस ले लो या वी एस कोड ले लो इसके अंदर हम लिखते हैं एच टी एम एल ये मैंने इसमें एक्सटेंशन डाल रखी है इसलिए सारा कोड आ गया है ग्यारह लाइन लिखनी नहीं पड़ी ये देखो नॉट डॉक टाइप एच टी एम एल ये जो है ये हमारे को बता रहा है ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट है डीओसी डॉक डौक टाइप डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट क्या हमारा एच टी एम एल फिर देखोगे आप एच टी एम एल का टैग खोला है और ये जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है दिस इज दी एट्रीब्यूट ये बता रहा है कि आगे तुमको जब भी पार्स करना है जो कंटेंट वो किस में लैंग्वेज इंग्लिश में ये इंग्लिश में लिखा गया है इसके बाद है डॉ ये अव, बंद क्लोजिंग वाला तो हमेशा एक पेरेंट मतलब सबसे बड़ा जो हमारा टैग होगा वो क्या होगा एच टी एम एल वाला इसके पास तो सबसे पहले हमारा एक एच टी एम एल क्या होगा बाप होगा इसके पास दो बेटे होंगे ऐसे मान सकते हो दो बेटे एक क्या होगा हेड और एक क्या होगा बॉडी या फिर क्या मान सकते हो एच फॉर ह्यूमन मैं और ये मेरी बॉडी विजिबल है जो आपको और हेड जो मेरे इंटरनली दिमाग में बातें चल रही सेम तो जो भी चीज विजिबल होती है वो आपके बॉडी टैग्स के अंदर लिखी जाती है जो भी आपको ब्राउजर पे दिख रहा होता है जो भी आपको ब्राउजर पे यहां पे जो भी दिखता है जो उसके ऊपर दिखता है जो आ, पेज का नाम होता है वो होता है ये टाइटल ठीक है ये टाइटल ये टाइटल यहाँ पे क्लोज हो रहा है इसके बीच में जो भी आप दोगे नाम वो यहाँ दिखेगा आगे जाके कैसे ये देखो इसके ऊपर डॉक्यूमेंट आया लिखा हुआ लेकिन अंदर कुछ नहीं आया यहाँ पे कुछ दिख रहा है नहीं ब्लैंक दिख रहा है लेकिन हमारे पेज पे तो कुछ कुछ दिख रहा था यस जैसे जॉन दिख रहा है वेब डेवलपर दिख रहा है ये हम दिखा सकते हैं कैसे लेट मी शो यू देखो जो एस का जो भी टैग्स हम लिखते हैं वो ब्राउजर को सपोर्ट करेगा ब्राउजर बहुत सारे हो सकते हैं ठीक है कोई एच चला रहा हो कोई मोजेला चला रहा हो कोई ब्रेव चला रहा हो कोई क्रोम चला रहा हो वट जो भी चलाओ हो वहां पे सब में एस सपोर्ट होता है उसके हिसाब से काम करता है फोन में खोलते हो उसका व्यू पोर्ट अलग होता है और जब लैपटॉप की स्क्रीन खोलते हो बड़ा व्यू पोर्ट होता है ये वो चीज़ को करता है इनको हटा दो फिलहाल आपको इतना नहीं करना है ना अब मुझे बॉडी के अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा वो मुझे विजिबल होगा लेट सपोज जैसे मैं लिखता हूँ एच वन हेडिंग वन हेडिंग टू सेव किया सी दिख रहा है आपको एक बड़ा है और एक छोटा है यस एग्जैक्टली exactly ऐसे ही हमारा काम करेगा तो विजिबल वाला जितना भी पार्ट होगा वो बॉडी के अंदर जो भी हम टेक्स डालेंगे उसमें लिखा जाएगा उसमें हेडिंग अलग है पैराग्राफ अलग है बहुत सारे टैग्स हैं उनकी हेल्प से हम क्या है ये बना सकते हैं तो इसमें जैसे हमने क्या किया है देख सकते हो जैसे एक बड़ी हेडिंग दी है फिर एक ये पैराग्राफ दिया है यहाँ पे हेडिंग दी है यहाँ पैराग्राफ दिया है इसमें बीच में हमने लाइन दिया है ये हमारा एक लाइन आएगी एच वो डालेंगे इसके बाद देखोगे ये दोनों हमने साइड साइड लगा रखा है तो यहाँ पे हमने एक टेबल बना रखी है ध्यान से देखो पे हमने एक टेबल बना रखी है जिसमें दो कॉलम है और उसके अंदर हमने वैल्यू प्लेस की है एंड ये हैडर है लास्ट में नीचे आओगे ये एक पूटर है और उससे पहले एक लाइन है

इसके पीछे थोड़ी स्टाइलिंग भी लग रखी है प्लस यहाँ पे एक इमेज है ध्यान से देखो इमेज है कि नहीं हम इमेज भी ला सकते हैं इमेज टैग होता है हमारे पास एक यहाँ डालेंगे हम इमेज एस आर सी में डाल देंगे प्रोफाइल डॉट जे पी ई जी नो अब ये हमारे को क्या है इसी फोल्डर में चाहिए जहां पे भी हम हमारी इंडेक्स फाइल है उसी के बगल में है इसलिए ये रीड कर लेगा एन सी आपको एक इमेज आ जाएगी ओके इसके नीचे जॉन डोई ये सब आ गया लेकिन ये इमेज इतनी बड़ी है एक तो ये गलत चीज छोटा करना है स्टाइल ऐड करने के लिए करेंगे हम लिंक स्टाइल सी एस एस ये आ गया एच रेफ रिलेशन स्टाइल शीट एच रेफ स्टाइल डॉट CSS, पहले से मैंने स्टाइल सी एस एस लिख रखी है ये रही तो जरूरत नहीं है हमारा फोकस सिर्फ एस टी एम एल पे ना ये ऊपर वाला सेक्शन था मेरा पूरा एक हेडर है ये हेडर बन गया कॉन्टेक्ट डिटेल्स कहाँ आती है बिल्कुल नीचे फूटर में फूटर सेव कर दो और इसको डिटेल को डालो पी में क्योंकि एक पैराग्राफ है डन बीच में क्या होनी चाहिए Horizontal lines, HR, ये हमारे सेल्फ क्लोजिंग टैग देख रहे हो इसमें सिर्फ एक ही लाइन है है ना मतलब कुछ और नहीं है जी देखो ये जी देखो ये एक लाइन आई है ना वाइटर इसमें क्या है थोड़ा हमने सी एस एस जल्दी लगा दी लगानी नहीं चाहिए थी रुको रुको इसमें हम कर सकते हैं अगर मेरे को ये कोई लाइन यूज नहीं करनी है तो कमेंट कमेंट कर दो सेव करो यस अभी मेरे को ये दिखेगा ये देखो हमारी इमेज फिर नाम फिर यहाँ पे हमारे को क्या एक हॉरिजॉन्टल रो आ गई और यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं जैसे सेक्शन बनाते हैं कौन से सेक्शन हमको क्या चाहिए ये सब भी चाहिए। me, ये section. Section H1. H1 में तो चाहिए अबाउट मी मेरा एच वन ये सेक्शन सेक्शन अबाउट एच वन और एच वन में अबाउट मी दूसरा है पैराग्राफ और ये कंटेंट उठा लो यहाँ से करो वापस आओ यहाँ देखो ठीक है ये दो लाइन हमारी डाउन हो गई सेक्शन के बीच में आ गया डन लेकिन मुझे क्या चाहिए ये दोनों जो चीजें हैं ये साइड बाय साइड चाहिए तो मैंने क्या बोला अभी सब ऊपर नीचे ऊपर नीचे आ रही है ये लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन आ रही है इसके बाद मैं लिस्ट भी बनाता हूं ये जो वन टू थ्री वाली है ये वाली लिस्ट इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ता यहां मैं डालूंगा सेक्शन एच वन एंड ये जो मेरी है ऑर्डर्ड लिस्ट है तो ओ एल ऑर्डर्ड लिस्ट और सब एक एलिमेंट एक एक करके तो एल आई एल आई में जैसे यहाँ डाल दिया हमने एस टी एम एल एल आई सी एस एस ओके सेव करते हैं और अपने वाला देखते हैं है, ये वाला है हमारा देखो एस टी एम एल सी एस एस हो गया और दो तीन डालूंगा मैं ये लो जावा यहाँ पे आ जाएगा हमारा जेएस जावास हम्म

कंटेंट आप यहां यूज कर सकते हो ऐसे क्लास सेक्शन सेक्शन का ये टाइटल इससे हम रीड करके क्या करेंगे स्टाइलिंग करेंगे और लिस्ट क्या है मेरी कंटेंट दिस इज अभी मेरे को ये कैसा करना अपना? है अपना जैसा ये हाउ कैन आई डू दैट बनाएंगे एक टेबल टेबल में रो रो में एक हेडिंग हेडिंग में डाल देंगे ये दूसरा हेडिंग ये उठा के डाल दो सी हो गया ना बराबर पे है ना जैसे ये था अब अगर आपको स्टाइलिंग लगानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा आ, इसको अनकमेंट करना पड़ेगा ये क्या कमेंट हो जाता है फिर इसके बाद ये रीड नहीं होगा लेकिन यहाँ पे देखोगे आप जैसे मैं इसको कंट्रोल यू करता हूँ ये देखो जो कोड हमने यहाँ लिखा है वो कोड हमको यहाँ भी दिखेगा एग्जैक्ट सेम टू सेम यहाँ पे ये रीड नहीं हो रहा है इस लाइन को अगर रीड करवाना है तो आपने क्या करना पड़ेगा इसको अनकमेंट अब ये रीड होने लग जाएगा अभी हमारा डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं दिखेगा ये तो टोटल स्टाइलिंग नहीं हुई इसका कलर अलग हो गया तो है है एक एक एक्चुअली में होता डिव डिव div, मतलब divisions होते हैं सब पार्ट के बॉडी में एक डिवाइड हो जाएगा कुछ पार्ट डिव सेक्शन क्लस कंटेनर ये उठेगा क्लोजिंग टैग इसके अंदर ये जितना भी बॉडी में पार्ट है वो सब अंदर डाल दो सेव किया मैजिक ये अपना वाला देख लो ऊपर कोड वाला, 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 वाला? Yes. Sort of लिखा है मैंने? वही 73 हुआ इस बाराइट right. अगर इसका सोर्स कोड चाहिए तो मैं इसका सोर्स कोड दे दूंगा आपको पिन कर दूंगा ठीक है कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में अभी बस आपको आर्किटेक्चर समझना है जैसे यहाँ मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाई है ध्यान से देखना अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड ओ एल ऑर्डर्ड वन टू थ्री फोर फाइव देगा अनऑर्डर्ड के लिए यू एल अनऑर्डर्ड बाकी सब सेम है ठीक है स्ट्रॉन्ग वेब डेवलपर लिखा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखो ये थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग कर दोगे थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा न स्ट्रॉग की जगह आप ऐसे कर देते हैं एच टू ये देखो मैजिक दिखा देता हूँ बड़ा भी हो जाएगा बट बेकार लग रहा है ना तो so, हम बेकार नहीं बनाएंगे सुंदर सा बनाएंगे अब जिस जिसको स्टाइलिंग पड़नी हो वो बताना हमको नेक्स्ट वीडियो में स्टाइलिंग कवर कर लेंगे ओके okay, तो जल्दी से यार 2000 लाइक इस वाली वीडियो पे हिट करवाओ फटाफट से जाकर तो मैं आगे इंतजार कर रहा हूं यार जैसे ही होंगे मैं इसके अंदर जो मैंने फुल स्टैक पूरा एप्लीकेशन बनाया उसका पूरी का पूरा एस टी एम एल सी एस एस कुछ सिखाऊंगा ओके फ्रॉम जीरो टू एंड चलो फिर मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ बाय बेस्ट ऑफ लक